हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो लास्ट वीडियो जो मैंने और मम्मी ने डाली थी वो थी कोफ्ते की। तो आप लोगों ने उस पर बड़ा प्यार दिया, ऐसे ही आप प्यार देते रहो तो हम नई नई वीडियो लेके आते रहेंगे आपके लिए। तो आप लोग देख रहे होंगे कि आज मेरी मम्मी ऐसे साड़ी पहन के तैयार क्यों है, क्योंकि आज हमारे यहाँ एक फेस्टिवल है जिसको बोलते हैं हरियाली तीज। तो मम्मी अभी पूजा वगैरह करने के लिए और थोड़ा सा उसके लिए जो खाना बनता है वो बनाने के लिए तैयार हुई भी है। और आज मम्मी जो फेस्टिवल के लिए, तीज के लिए जो खाना बनेगा आप लोगों को वो दिखाएगी। तो बताओ मम्मी क्या क्या बनाओगी आज? तो सबसे पहले तो जय गुरुदेव और सबको हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बनाऊंगी आज काशीफल, जिसे कद्दू भी कहते हैं, कहीं कहीं उसे कद्दू कहते हैं, हमारे यहाँ तो उसे काशीफल ही कहते हैं। उसकी सब्जी बनेगी बिना प्याज की, और साथ में बनेंगे छोले, और उड़द की दाल की बनेगी कचौड़ी। और अगर आपको उड़द की दाल की कचौड़ी की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, तो फिर हम आपको दे देंगे। तो ये काशीफल जो है बहुत फायदेमंद होता है, और ये पूरी के साथ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि पूरी हैवी हो जाती है, ऑयली होती है, तो ये उसको हजम करने में सहायक होता है। तो मैं आपको अब दिखाऊंगी कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या डलेगा, क्या क्या मसाले डलेंगे उसमें, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरे पास काशीफल, ये आधा किलो काशीफल है जो कि मैंने साफ करके धो के काट के पहले से ही रख दिया है। और इसमें डालने के लिए ये है मेरे पास चार हरी मिर्च है, और इसमें साबुत मिर्च भी पड़ती है सूखी हुई लाल, ये चार साबुत मिर्च है। अदरक का टुकड़ा है और ये लाल मिर्च है, और ये है मेरी मसालेदानी, इसके अंदर धनिया पाउडर और मेथी दाना भी इसमें पड़ेगा, जीरा, हल्दी, गरम मसाला, नमक, सारी चीज़ें इसके अंदर है जो कि इसके अंदर पड़ेंगी। ठीक है, तो अब आप ये दिखाओ कि अब इसको बनाना शुरू कर। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये पहले तो मैंने गैस को ऑन किया, मम्मी कुकर में बना रही है, रख देंगे इसके ऊपर कुकर। अब ये कुकर गर्म हो चुका है, अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा तेल, ये सरसों का तेल है और काशीफल सरसों के तेल में ही बनता है। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें आधा चम्मच मेथी दाना, और फिर आधा चम्मच, अभी मेथी दाना हमारा चटकने लगा है, तो अब डालूंगी मैं जीरा, अब डलेगी साबुत मिर्च। अब ये जीरा और मेथी दाना, लाल मिर्च सब तैयार हो गई है भून के, अब हम डालेंगे इसके अंदर काशीफल। एक चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी। अब डालूंगी मैं इसमें दो पिंच हींग। अच्छा, इसमें हींग भी डलता है? हाँ, हींग तो जरूर डलेगा, और थोड़ी सी डालती हूँ मैं लाल मिर्च। अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च और अदरक। अब मसाले तो सारे डल चुके हैं, अब इसमें डलेगी शक्कर या चीनी। मैं शक्कर डालूंगी, लेकिन आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हो। दो छोटे सर्विंग स्पून मैं इसमें शक्कर डालूंगी। अगर किसी का काशीफल मीठा हो तो वो भी चल सकता है, पर नहीं फिर भी नहीं, मीठा ही अच्छा लगता है। मीठा डालना ही पड़ता है इसमें। तो अब इसको हम कवर कर देंगे बस। बस फिर इसमें हम दो सीटी लगाएंगे, 5 मिनट सिम गैस के ऊपर रखेंगे, और फिर हमारा काशीफल एकदम रेडी। चलो, तो अब हम काशीफल तो हमने बना लिया है, अब हम तैयारी करते हैं छोले बना देंगे। तो ये मेरे पास है छोले, इनको मैंने रात को भिगो दिया था और अब सुबह उबाल के रख दिया है, ठीक है। और इसके जो मैं मसाला बनाऊंगी, इसके लिए जो ग्रेवी बनाऊंगी, उसके लिए मेरे पास एक प्याज बड़े साइज की, और ये 4-5 कली लहसुन की है, 3 हरी मिर्च है, ये अदरक का टुकड़ा, ठीक है, और ये मेरे पास 3 टमाटर हैं जो कि मैंने काटे हैं और मम्मी को पसंद नहीं आए, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। किसान ये कैसे काटे हैं? और ये है मेरे पास बड़ी वाली 2 इलायची और 3 है लौंग, ठीक है। ये लाल मिर्च पाउडर है,
और ये मेरे पास मसालेदानी में हल्दी पाउडर, जीरा और नमक, धनिया पाउडर और तेज पत्ता, ये है गर्म मसाला, ये सब उसमें डल गया। चलो तो फिर दिखाओ तड़का कैसे मारना है। अब इसमें मारते हैं तड़का। अब मैं गैस ऑन करती हूँ। ठीक है। और इस पे रख देते हैं छोटी कढ़ाई। मम्मी की फेवरेट कढ़ाई है छोटी। एक इससे भी छोटी है, वो है मेरी फेवरेट। अच्छा हाँ। अब डालती हूँ इसमें आधा चम्मच जीरा, दो बड़ी इलायची, तेज पात और ये है तीन लौंग जो मैंने प्याज का पेस्ट बनाया है। प्याज टमाटर वगैरह जो भी है वो हमने सब ब्लेंड कर लिए हैं, उनका पेस्ट बना लिया है। हाँ, पेस्ट बना लिया है। प्याज, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन, और वो भी मम्मी ने अपने नए ब्लेंडर में बनाया है जो कि बड़ी मुश्किल से यूज करना शुरू करा है। अभी तो पुराने वाली मिक्सी बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। देखो कितनी अच्छी प्याज भुन गई है और कितना अच्छा कलर आया है, एकदम गुलाबी गुलाबी भुन गई है। अब मैं सबसे पहले इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी जिससे कि आराम से भुन जाए। थोड़ा भून लेते हैं इसको। और अब डालूंगी मैं धनिया, तो हमारा ऑलरेडी भुना ही हुआ है। अब डालूंगी मैं इसमें लाल मिर्च आधा चम्मच। लाल मिर्च से कितना सुंदर कलर आ गया। और अब डालूंगी जो मैंने ये ग्रेवी बनाई है, ये हो गया एक चम्मच धनिया पाउडर। और नमक, हम थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि नमक पहले से ही छोले में डाला हुआ है। ठीक है, थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा मम्मी तुम्हें, तेज। अच्छा, नमक थोड़ा सा डालते हैं फिर भी, ये क्योंकि टमाटर कितने हैं, प्याज वगैरह, इसके लिए डाल देते हैं। हमने पहले से ही छोले में नमक डाला हुआ। ठीक है, अब हमारी ये ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और मैं इसको डालती हूँ कुकर में। ठीक है, तो कुकर में ट्रांसफर करके अब हम इसको रखेंगे थोड़ी देर कुकर में। हाँ, इसमें लगाएंगे दो तीन सीटी। अच्छा, छोले तो वैसे गल ही चुके हैं। हाँ। लेकिन फिर भी जिससे मसाला अच्छी तरीके से सारे में लग जाए। और अब कुकर कर देती हूँ बंद, दो सीटी लगाएंगे गैस के ऊपर, थोड़ी गैस पर रखेंगे। ठीक है, और 5 मिनट सिम गैस के। तो फिर अब हम, जब ये हमारे दोनों कुकर अभी यहाँ पे रखे हैं, ये काशीफल का है और ये छोलों का है, तो अब जब ये दोनों बनते हैं तो आपको खोल के दिखाते हैं, और फिर जब मम्मी कचौड़ी बनाएगी तो कचौड़ी के साथ खा के भी दिखाएंगे। ठीक है, तो चलो अभी मिलते हैं थोड़ी देर। तो फिर बन गया सामान, अब हमारा एकदम काशीफल और छोले दोनों एकदम तैयार हैं। दिखाओ फिर। वाह भाई वाह, देखो तो ये तो मम्मी का बना है काशीफल, एकदम देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। बस अब इसके अंदर गरम मसाला और डालेंगे। ठीक है, आधा चम्मच, आधे से भी कम। हम्म, ये मैं डाल देती हूं इसके अंदर गरम मसाला। ठीक है, थोड़ी सी धनिया पत्ती जो कि मैंने काट के रखी थी। वेरी नाइस, ये डाल देते हैं। ठीक है, तो अब दिखाओ चने बनेगी नहीं, एकदम चलेगा। क्या चने बने, बिल्कुल बढ़िया। वाह भाई वाह वाह, मान गए मम्मी के, वेरी गुड वेरी गुड, चने बने हैं तो बिल्कुल एकदम अच्छे। बस इनमें तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस गार्निश के लिए हरा धनिया। ठीक है, वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, और अब ये कढ़ाई, ये कढ़ाई इसमें आलू की, वो उड़द की दाल की कचौड़ी बनेगी। ठीक है, अब इसमें तेल डालूंगी। तो ये मम्मी ने उड़द की दाल की कचौड़ी के लिए आटा गूंद रखा है और वो गाय फिलिंग जो अंदर डाल ली। अभी लाते हैं इधर मम्मी का, वैसे
रायता भी तैयार हो रहा है, अभी रायता डलेगा, सामान डलेगा। और ये जो फिलिंग है ये उड़द की दाल की है, पिट्ठी बोलते हैं इसको। अगर आप कहोगे तो हम आपको इसकी भी रेसिपी दे सकते हैं कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे, हम तो जरूर देंगे। ठीक है। तो सब लोग पूछ रहे हैं कि मम्मी की तबीयत कैसी है? तबीयत तो एकदम बिल्कुल ठीक है। हाँ मैंने भी पढ़ा था कमेंट्स में, सब लोग पूछ रहे थे, अब ठीक है एकदम। तो ये हमारी उड़द की दाल की कचौड़ी, ये काशी फल, ये छोले और ये रायता, और ये हमारे खाने वाले। तो अब टेस्ट करके बताओ जी कैसा लगा। पहले मैं सब्जी सब्जी टेस्ट करके बताऊँ। ठीक है ठीक है। सब्जी बाद जो है कचौड़ी तो माशाल्लाह बनाती है। तो फिर सब्जी बताओ पहले टेस्ट करके। वेरी गुड, पूरी बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब कचौड़ी के साथ हो जाए रोटी और रायता भी, बहुत टेस्टी रायता भी बढ़िया। ये मैंने बनाया है। ये काशी फल भी गुड, सब गुड। तो चलो फिर एक बाइट हो जाए। आ गया मजा? बिल्कुल फुल। चलो तो करो अब एंजॉय, फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।